बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया। इसराइल ने काफ़ी तरीक़ों से पाकिस्तान पर दबाव डाला लेकिन इसराइल कामयाब ना हो सका। तो अब इसराइल ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी भी दे दी है और नए इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, जिसका उर्दू तर्जमा मैं आपको बताता चलूँ। नए इसराइली वज़ीर आज़म, जिसका नाम नफ्तलीन है, उसने कहा कि अगर मैं इसराइल की दुश्मनों की बात करूँ तो पाकिस्तान नंबर वन पर है। אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית। नाज़रीन, इसराइल ईरान से भी ज़्यादा पाकिस्तान से इतना खौफज़दा क्यों है? इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का होना है और हमारी मसल्ला अफवाज है जो हर वक्त किसी भी खतरे के लिए हम वक्त तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल होता है। नाज़रीन, अब तक इसराइल के किसी भी वज़ीर आज़म ने खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, लेकिन नए आने वाले वज़ीर आज़म ने अहदे का हल्फ उठाने के बाद ही अपने दुश्मन ममालक के ख़िलाफ़ बोने लगा है। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।